गया भाई हमारा लड्डू। ये रहा, इसको मेरे को तोड़ना था तो अप्रैल देख के दूर भाग गई ऑलरेडी पहले ही मेरे हाथ में। ये देख के इसको इतना डर लगा भाई, इसको देख के उधर दूर जाके बैठ चुकी है। चलो हम इसको तोड़ते हैं। वैसे तो सभी जानते हैं नारियल के अंदर से क्या निकलता है, बट फिर भी भाई मेरे को दिखाने की चूल है। तो भाई ऐसा कुछ देखो, कितना परफेक्टली मैंने इसको खोला है। अभी इसको थोड़ा सा और खोलेंगे, बट मैं सोच रहा हूँ कि यार इसके अंदर से पानी ना निकल जाए खोलने के बाद। वैसे इसका भाई कितना सा पानी आता है इस नारियल के अंदर, देख रहे हो भाई, बहुत सही। ये हमारे नारियल छोटे छोटे से। तो भाई आज हमारा लड्डू वापस से जा रहा है अपने घर। अब कोई आइडिया नहीं है यार वापस कब तक आएगा। जो इसके रियल ओनर थे उन्होंने बोला यार कुछ दिन हम लड्डू को रखना चाहते हैं अपने साथ। तो भाई लड्डू जा रहा है फाइनली, और देखो दादाजी इसको बुला रहे हैं प्यार करने के लिए। बट इसको कोई मतलब नहीं है, इसको अभी लग रहा है कि मैं इसको घुमाने के लिए लेके जा रहा हूँ बाहर। तो भाई लड्डू को फाइनल गुड बाय दे देते हैं और मिलते हैं इससे 10-15 दिन बाद। चलो इसको अभी छोड़ने जाऊँगा ना गाड़ी तक, तो उसका भी ब्लॉग बनाऊँगा पूरा। बट यार है ना, मन नहीं करता यार लड्डू को कहीं पे भी भेजने का। ये इतना प्यारा बच्चा है ना कि मेरा मन ही नहीं करता भाई। इसकी इतनी भोली भोली सी आंखें, इतनी मोटी मोटी सी, कि किसका मन करेगा यार इसको छोड़ने का, है ना। लड्डू जा रहा है तू? लड्डू जा रहा है, आएगा नहीं वापस? ये आएगा, चुचु करना है, चुचु करने चले, चुचु करने चले। इसको लेके जाऊंगा दादा थोड़ा सा दूर तक पैदल। हाँ थोड़ा सा पास तक लेके जाना पड़ेगा। तो ये अप्रैल भी साथ का साथ बाहर आ रही है हमारे भाई। अभी तो खूब मस्ती करता हुआ चल रहा है ये मटक मटक के। बट इसको पता नहीं यार, ये तो आने वाले दिन इसके लिए तो अच्छे निकले निकलेंगे। खैर इसको घूमना पसंद है। बस यार बात और कुछ नहीं है ना, लड्डू को मैं समझता हूँ और ये मेरी कमांड्स में रहता है। मतलब ये और लोगों की कमांड्स इतनी नहीं मानता, क्योंकि उनको पता नहीं है ना कि इसको कैसे टैकल करते हैं। अब मेरे को इसका आइडिया है। वहाँ पर खड़ी है सामने कार जिसमें लड्डू जाएगा। चलो चलते हैं, अभी देखना ये इनके ओनर को देख लेगा ना, पुराने वाले जिनके पास रहता था ये 7-8 महीने तक, उनको देखते ही भाई इसके हाव भाव बदल जाएंगे और ये मेरे को देखना भूल जाएगा एकदम। इतना एक्सपीरियंस कब हो गया तुमको? चलो भाई लड्डू फाइनली बैठ गया गाड़ी में। इसके लिए ना थोड़ी सी है ना वो विंडो हल्की सी खोल देना, थोड़ी सी जस्ट मुंह निकल जाए। आ देख लेना, वैसे तो ये थोड़ा चूजी है भाई। मेरे बेटा, मेरे बेटू, मेरी बेटी, जा रही है बेटू? जाओ बाय। ले जाओ ले जाओ। तो भाई लड्डू अभी भी यहीं पर ही देख रहा है यार। वैसे तो चलो ठीक है, लड्डू बाय। गया भाई हमारा लड्डू। भाई फाइनली लड्डू तो गया, चलते हैं घर पे अप्रैल के पास।
साथ अप्रैल को थोड़ा सा ज़्यादा प्यार मिल जाएगा। प्यार तो खैर उतना ही मिलेगा, बट थोड़ा सा लड्डू का भी उसको मिलेगा। आप अच्छा तो नहीं लग रहा, बट कोई बात नहीं, वापस आ जाएगा लड्डू कुछ टाइम बाद। थोड़ा घूमना हो जाएगा उसका भी, थोड़ी नई चीज़ें एक्सप्लोर कर लेगा और थोड़ा उसका भी एक्सपीरियंस हो जाएगा ना नई जगह जाने का। तो हमको उसको एक मेरे को एक बार इसको ना स्नो पे लेके चलना है, मतलब बर्फबारी जहाँ पे होती है ना, स्नोफॉल और पूरा मनाली वाला एरिया, वहाँ पे लेके जाना है एक बार उसको मेरे को। तो ज़रूर लेके चलेंगे भाई। चलो ठीक है, वीडियो को एंड करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है? चलो भाई, बाय बाय। दक्ष कैसा लग रहा है? लड्डू गया उसके बाद था बहुत बुरा। अब पता नहीं तब आएगा, जब आएगा, जब तुम खेलोगे उसके साथ। तो भाई लड्डू को छोड़ के आ गया हूँ घर पे वापस। अब अप्रैल से मिलते हैं। चलो गया लड्डू। दादाजी को भी निराशा लग रही है थोड़ा सा। बेटा दादी की मम्मी की बाल्टी ऊपर की। अप्पू लड्डू गया। अप्पू अप्रैल को खैर अभी तो कुछ पता नहीं चलने वाला, बट कुछ टाइम बाद एक दो दिन में जब उसको पता चलेगा ना कि कोई है नहीं घर में, तो वो धीरे धीरे उसको सुस्ती सी हो जाएगी, थोड़ा शांत रहने लगेगी, ज़्यादा घूमेगी नहीं, अपने आप बैठी रहेगी एक जगह। देखो ढूंढेगी अभी उसको, अभी ये लड्डू को ढूंढेगी थोड़ी देर में इधर उधर भाग भाग के। चलो यार ठीक है।